मथुरा के गोवर्धन पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र ने बाबरी मस्जिद पर बोलते हुए कहा है कि कोई विवादित ढांचा वो नहीं है, उस पर केस चल रहा है और जो भी फैसला आएगा वो अनुकूल ही होगा। आपको बता दें कि मिश्र मथुरा के गोवर्धन में सातवीं प्रादेशिक तीरंदाजी की प्रतियोगिता का आयोजन करने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मीडिया के सामने ये बयान दिया। मथुरा के गोवर्धन पहुंचे भाजपा वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री कलराज मिश्र ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि विपक्ष का हंगामा मात्र है, जनता का समर्थन भाजपा और देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिल रहा है। आम जनता के जीवन को योजनाओं के जरिए से ऊपर उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, वही जनता का पैसा जनता के लिए ही खर्च होगा। बाबरी मस्जिद पर बोलते हुए उन्होंने ये कहा कि कोई विवादित वो ढांचा नहीं है, उस पर केस चल रहा है और जो भी फैसला आएगा अनुकूल ही होगा। निश्चित ही राम मंदिर का निर्माण न्यायालय के फैसले पर ही होगा। वहीं गुजरात के चुनाव पर भाजपा की बंपर जीत होने की बात भी कही। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गुजरात की जनता को ध्वस्त किया है। आपको बता दें कि कलराज मिश्र मथुरा के गोवर्धन कस्बे में उत्तर प्रदेश तीरंदाजी संघ के बैनर तले सातवीं प्रादेशिक तीरंदाजी की प्रतियोगिता का आयोजन करने पहुंचे थे। बाकी की चीज तो लाभान के हिसाब से तो बीजेपी को ही सत्ता रूढ़ करने के पश्चात ही गुजरात का विकास हो सकता है, गुजरात की जनता का लाभ हो सकता है। और इसलिए इसी आधार पर मैं पूर्ण विश्वास साथ कहता हूँ, चाहे जिस भी प्रकार का स्वरूप दिखाई पड़ता होगा, गुजरात की जनता कमल के फूल को ही अपना आधार मानकर मतदान करेगी, वहाँ प्रबल बहुमत प्राप्त होगा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो छोटे स्तर तक की योजनाओं को बनाकर, ग्रामीण स्तर तक की योजनाओं को बनाकर गरीब लोगों के लिए, नौजवानों के लिए जो कार्य किया है, उसको विशेष रूप से कार्यान्वित कराने में जो स्थानीय निकाय सहयोगी होती है, आज जिस तरीके से विजय प्राप्त हुई है अब वो पूरी तौर पर लागू होगी, उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अब पूरा का पूरा पैसा पारदर्शितापूर्ण तौर पर उनके उन्नयन के लिए खर्च होगा, कोई विवादित ढांचा नहीं है। अब तो उस पर चूंकि केस चल रहा है, 5 दिसंबर से लगातार चलने वाला था, लेकिन आज आया कि फरवरी में होगा। अब वो केस जैसा भी होता है, मुझे लगता है कि अनुकूल ही होगा। वो सब इसी दिशा में कार्य हो रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि गिरिराज की धरती पर मैं खड़ा हूँ, निश्चित रूप से राम मंदिर का निर्माण हमारे न्यायालय के फैसले के आधार पर होगा। कि गुजरात की जनता प्रारंभ से ही व्यापारिक मानसिकता की, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे व्यापारी हो, हर स्तर पर लाभ और हानि के बारे में विचार करते हैं, क्या करने से लाभ होगा, क्या करने से नुकसान होगा। और जब इस दृष्टि से विचार करते हैं तब जो जो भी शासन रहा है उसके पूर्व के कर्मों का भी आकलन करते हैं। उस आकलन के दौरान मैं निश्चित रूप से विश्वास साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस ने गुजरात की जनता को एकदम ध्वस्त किया है, धोखा दिया है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, चाहे केशव भाई जी पटेल रहे होंगे और नरेंद्र भाई जी आए, तब से सौराष्ट्र से लेकर गुजरात तक पानी भी ढंग से मिलना शुरू हो गया, 24 घंटे बिजली मिलनी शुरू हो गई, अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हुई। तो जब जनता आकलन करती है, उस आकलन के दौरान उनको लगता है कि नहीं, काम किया है। मथुरा से मनीष चौधरी की रिपोर्ट।